Muslim and you are watching my channel Noble English. Today I am going to teach you kinds of verbs. Verbs क्या है? सबसे पहले first of all मैं आपको verb के बारे में बताऊंगी कि verb क्या है. Verb parts of speech का एक part ही है. जैसे कि हमारी parts of speech की series चल रही थी, सबसे पहले मैंने आपको noun के बारे में बताया, फिर pronoun के बारे में बताया detail से, फिर हमने adjective detail से किया. आज हम verb के बारे में पढ़ेंगे. वर्ड की डेफिनेशन जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले मैंने आपको बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में. आज अगेन हम इसको करते हैं. अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन एन इवेंट अ स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब. एक लफ्ज जो किसी काम को या वाक्य को या हालत को जाहिर करता है वो वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, शाइन, वाइट, हेल्प, स्माइल, पुट, पुल एटसेट्रा. किसी काम का करना, होना या सहना जो है वो फेल है. उर्दू में इनका इनके आखिर में ना आता है. जैसे कि ये फ्लाई है उड़ना, शाइन चमकना, राइट लिखना, हेल्प मदद करना, स्माइल मुस्कुराना, नारा सब के में पुट रखना, पुल खींचना. ठीक है, वर्ड जो है आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स. Verb is considered as the main part and king of a sentence. Without verbs, we cannot make even a single sentence. अगर हम एक सेंटेंस वन वर्ड का भी लें तो वो भी हमारा इसके बगैर नहीं बन सकता, वर्ब के बगैर. लिहाजा इसका पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब वन वर्ड का सेंटेंस देखें. काम आइए या आना, गो जाइए. हम सिर्फ इतना ही अगर किसी को कहते हैं कम आओ, गो जाओ, रीड पढ़िए, रन दौड़िए, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस, ये वर्ब के बगैर नहीं बना. अगर हम टू वर्ड्स का सेंटेंस ले, कमिंग अंदर आ जाइए, गो अवे जाइए, बाहर जाइए, रीड इट इसे पढ़िए, ये टू वर्ड्स का सेंटेंस भी तो है, तो ये भी वर्ब के बगैर नहीं बना है. रन फास्ट तेज दौड़िए. अब थ्री वर्ड्स का सेंटेंस देखें. ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है. वी बॉट अ टेबल, हमने एक टेबल एक मेज खरीदा. अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं. अब इनमें जो वर्ब यूज हुई है राइट्स, बॉट, गोज, प्ले, और इधर कम, गो, रीड एंड रन. यहाँ पे कम, गो, रीड एंड रन, वन वर्ड सेंटेंस, टू वर्ड सेंटेंस और ये थ्री वर्ड सेंटेंस. यानी कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर बन ही नहीं सकता. वर्ब जो है वो एक इंजन की तरह है जो एक गाड़ी को चलाती है. जैसे कि एक गाड़ी में इंजन से जान डलती है. अगर इंजन ना हो तो गाड़ी को धक्का मार कर ही हम रह जाएंगे, गाड़ी चलेगी नहीं. इंजन वाली बात से तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ब क्या है. वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच और हम इसके बगैर कोई जुमला नहीं बना सकते हैं. वर्ब को समझना बहुत जरूरी है. इसकी क्या टाइप्स हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स. दीज टाइप्स आर एज फॉलोज. इसकी बहुत सी किस्में हैं. नंबर वन पे देखें एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब टू टाइप्स की होती हैं. एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है और एक इनट्रांसिटिव वर्ब होती है. नंबर टू पे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. और नंबर थ्री पे लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब. नंबर फोर डायनेमिक वर्ब. नंबर फाइव स्टैटिक वर्ब. नंबर सिक्स है फाइनाइट वर्ब. नंबर सेवन नॉन फाइनाइट वर्ब. नंबर एट रेगुलर वर्ब. और नंबर नाइन इरेगुलर वर्ब. और नंबर टेन मॉडल वर्ब. और नंबर अलेवन फ्रेजल वर्ब. अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं. वर्ब की फर्स्ट काइंड देखें एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस सच एज डू, गो, सीट, ईट, हेल्प, लाफ, वीप एटसेट्रा. एक्शन वर्ब हमें जुमले में सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, ठीक है. जैसे कि गो जाना, बैठना, उठना, खाना, मदद करना, हंसना, रोना,
ये सब सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं। जो वर्ड हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसके एक्शन के बारे में बताता है, वो एक्शन वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ही ईट्स हेल्दी फूड, वो हेल्दी फूड खाता है, यानी कि अच्छा सेहतमंदाना खाना खाता है। तो ईट्स जो है ना वो एक्शन जाहिर कर रहा है ही का, खाना खाता है। अली प्ले स्पोर्ट्स डेली, अली रोजाना स्पोर्ट्स खेलता है। अब खेलना अली का काम है, इसके सब्जेक्ट को भी जाहिर किया इसने, इसलिए एक्शन वर्ब है। सना गोज टू स्कूल डेली, सना रोजाना स्कूल जाती है, ठीक है। गोज एक्शन वर्ड है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। दे आर मेकिंग अ नाइस, वो शोर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में एक्शन जाहिर कर रही है। शी इज लाफिंग एट अ जॉकर, वो जॉकर पर हंस रही है, ठीक है। हंसना इसका शी का फेल है, इसलिए ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। और एक्शन वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, दो हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको अभी लिखते हुए बताया था, काइंड टाइप्स लिखते हुए, कि एक्शन वर्ब टू टाइप्स की होती है, एक ट्रांजिटिव होती है और एक इनट्रांजिटिव होती है। ये क्या है आइए देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर, इट डस नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ऑब्जेक्ट के बगैर तो ये एक मुकम्मल मानी देती ही नहीं है, ठीक है। किसी भी कोई भी सेंटेंस जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट के बगैर हम बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बगैर जो है ना, जो ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं बनता वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, और जुमले को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऐसे वर्ब जिनको जुमले के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट होती है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, ही बॉट, उसने खरीदा, ये तो मानी भी क्लियर नहीं हो रहा, क्या खरीदा, ठीक है। अगर मैं आगे लगा दूं अ केक, उसने केक खरीदा, ठीक है, अब मानी क्लियर भी हो गया। तो ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के लगाने से ही मीनिंग क्लियर हो करती हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई पुश्ड, मैंने दबाया, क्या दबाया, नहीं क्लियर हो रहा मीनिंग। अब मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगी तो मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। आई पुश्ड द बटन, ठीक है, मैंने बटन दबाया। नेक्स्ट देखें, आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, द नॉवल, मैंने नॉवल लिखा। अब ऑब्जेक्ट लगाया हमने तो ये हमारी जो रोट और पुश, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बन गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाती है। कार ऑब्जेक्ट है, अगर ना होता शी ड्राइव्स, वो क्या चलाती है, मफहूम क्लियर नहीं होता। ये है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, जबकि हम इनट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। अब हम करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट need
an object. इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती. टू मेक द सेंटेंस, जुमला बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती. और इसका मीनिंग क्लियर होता है. ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर. फॉर एग्जाम्पल देखें, ही रन्स, वो भागता है. अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जुमला कंप्लीट हो गया, वो भागता है. ठीक है, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है. इसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है और मीनिंग भी क्लियर है. जब मीनिंग भी क्लियर हो, ऑब्जेक्ट की नीड भी ना हो, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है. द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है. इसमें भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है हमें और मीनिंग भी क्लियर है. नेक्स्ट देखें, आई स्नीज इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह के वक्त छींके आती हैं. तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, कंप्लीट मानी हो गया वर्ब से ही. आई वेक अप, मैं उठती हूँ. 8:06 AM, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ. तो ये भी कंप्लीट मानी दे रहा है सेंटेंस का. और ये हमारी सारी जो वर्ब्स मैंने अब यूज़ की है, ये हमारी है इंट्रांसिटिव वर्ब. मीनिंग भी क्लियर हो रहा है जिससे. अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ये क्या होते हैं देखें, एन एक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं बाय हेल्पिंग, उनकी मदद करते हैं. टू शो टाइम, टाइम को जाहिर करते हैं. टेंस को जाहिर करने के लिए, वॉइस को यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जाहिर करने के लिए. एंड एंड पॉसिबिलिटी और अमकान को जाहिर करने के लिए हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं. अब देखें, अली इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, इज जो है ना वो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है. दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वो पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं. अगर हम टेंस चेंज कर रहे हैं, ये है में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, अगर पास में भी करेंगे ना, अली वाज गोइंग टू स्कूल, वाज लगा दें, टेंस चेंज कर दें, तब भी ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा. ही वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था. ये भी इसमें एक्सिलरी वर्ब आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब. आई हैव सीन अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूँ. सारा हैज ईटन ऑल द एप्पल, सारा सारी सेब खा चुकी है. तो ये जो मेन वर्ब के साथ हमने जो यूज किया है हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब इज लाइक एन इंजन. मेन वर्ब जो होती है वो गाड़ी के एक इंजन की तरह है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में वीडियो के आपको बताया था. और इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो एक छोटे इंजन की तरह होता है जो उसको सपोर्ट करते हैं. अगर हम ये ना लगाएं, ऐसे लिख दें अली गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा,
अब हे इसमें यूज होगा तो कंप्लीट होगा, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों में बड़े इंजन के साथ छोटे इंजन भी लगाए जाते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करके जुमले को कंप्लीट करती है। अब द टेबल हैज बीन प्रिपेयर, टेबल तैयार किया जा चुका है, पैसिवाइज जुमला है। अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो यूज होते हैं, उनमें देखें एम इज आर वाज, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और ये पास्ट में यूज होते हैं कंटिन्यूस टेंस में। वर वाज वर being, been, be, have, has, had, ये perfect tenses use होते हैं। do, does, did, ये negative और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज होते हैं। मैं माइट परमिशन लेने के लिए यूज होते हैं या दुआ के लिए भी यूज होते हैं। मस्ट अरादा को शो करने के लिए यूज होते हैं। कैन कुड विल वुड shall, should, next kind देखें हमारी verb की next type है lexical verb। lexical verb को main verb भी कहा जाता है। लेक्सिकल वर्ब कौन से होते हैं देखें, लेक्सिकल वर्ब आर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब ही होते हैं अदर देन द एक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब्स ही होती हैं, लेकिन एक्सिलरी वर्ब्स के अलावा होती हैं जुमले में। फॉर एग्जांपल अब ये सेंटेंस देखें, अली इज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा है या अली वाज गोइंग टू स्कूल, टेंस चेंज हो जाए तो अली स्कूल जा रहा था। अब इसमें जो है ये गोइंग जो है ये हमारी जो है लेक्सिकल वर्ब है, इज जो है एक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ जो यूज होती है वो होती है लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब कहलाती है वो, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब है, जो काम होता है ना वो हमारा मेन वर्ब ही कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वो पार्क में वॉक कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। तो ये जो अब वॉकिंग आया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हमारी मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखें, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। अब इसमें जो प्लेइंग हमने यूज किया है ये लेक्सिकल वर्ब है हमारी। आई हैव सीन अ मूवी, मैं एक मूवी देख चुका हूं। तो इसमें जो सीन यूज किया हमने ये है मेन वर्ब।
Sarah has eaten. All the apple. सारा सारे सेब खा चुकी है. इसमें जो eaten word यूज हुआ है ये है हमारी मेन वर्ब. अब हम नेक्स्ट करते हैं. हमारी काइंड कौन सी जा रही है? अब है स्टेटिव वर्ब या फिर इसको कह सकते हैं हम स्टेट वर्ब. जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि किसी की हालत को शो करेगी ये. अब ये देखिए स्टेटिव वर्ब वर्ब्स आर वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं विच जो विच वी यूज जो हम इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन करने के लिए अ सिचुएशन. एक सिचुएशन एक सूरत हाल को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं आर स्टेट या फिर किसी हालत को हम बयान करने के लिए यूज करते हैं इन द सेंटेंस जुमले में. जुमले में किसी की भी हालत को या सिचुएशन को जाहिर करने के लिए जो वर्ड हम वर्ब के तौर पे यूज करेंगे वो कहलाएगी स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब कहलाएगी. या फिर हम क्यों भी कह सकते हैं अ स्टेटिव वर्ब और स्टेट वर्ब इज अ नॉन एक्शन वर्ब. ठीक है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब भी कहलाती है. कौन सी वर्ब कहलाती है? नॉन एक्शन से नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं. अब देखें एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये कौन सी वर्ब होती है. आई एम एट होम, मैं घर पर हूं. तो इसमें कोई एक्शन वाले कोई वर्ब तो यूज हुई नहीं है. एम यूज हुआ है इसमें, मैं घर पर हूं. अब जो एम यूज हुआ है इसमें ये नॉन एक्शन वर्ब है तो ये सूरत हाल को भी जाहिर कर रहा है इसलिए ये स्टेटिव वर्ब है. ठीक है, नेक्स्ट देखें. शी बिलीव्स इन फेरीज. वो परियों पर यकीन करती है. She believes in fairies. अब यकीन करती है परियों पे, ये कोई एक्शन नहीं जाहिर कर रही है, उसका यकीन है तो उसकी हालत को शो कर रहा है इसलिए ये है स्टेटिव वर्ब. He feels elated. अब feels जो है ना महसूस करता है, ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है. He seems a nice man. ठीक है, वो अच्छा आदमी दिखाई देता है, ये भी सीम दिखाई देना. इसमें कोई एक्शन नहीं है ये जो वर्ड्स लिखे हैं. She resembles her sister. मुशावर रखती है अपनी बहन से, ये भी स्टेटिव हालत को शो कर रही है, स्टेट को शो कर रही है. सना बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली से ताल्लुक रखती है. तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं है. जिसमें ये कोई एक्शन नाम नॉन एक्शन वर्ड हो वो वर्ब कहलाती है स्टेटिव वर्ब. अब नंबर 5 पे देखें हम कौन सी काइंड करेंगे. आप देखें डायनेमिक वर्ब. अब डायनेमिक वर्ब कौन सी वाली वर्ब होती है देखें. डायनेमिक वर्ब आर वर्ब्स. डायनेमिक वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं विच वी यूज जो हम इस्तेमाल करते हैं टू शो जाहिर करने के लिए एन एक्शन एक काम को जाहिर करने के लिए. प्रोसेस या किसी प्रोसेस को अमल को जाहिर करने के लिए और या फिर सेंसेशन
या किसी सनसनी को जाहिर करने के लिए। इंस्टेड ऑफ अ स्टेट, हालत की बजाय, ठीक है, जुमले में किसी हालत की बजाय, जैसे कि पहले मैंने अभी कहा स्टेटिव वर्ब में तो किसी की स्टेट को ही जाहिर किया जाए तो वो होती है स्टेटिव वर्ब, जबकि डायनेमिक वर्ब्स जो होती है ना वो किसी एक्शन को, प्रोसेस और सेंसेशन को स्टेट की बजाय जाहिर करेगी, वो डायनेमिक कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो गाना गा रही है, ठीक है, इसमें इसका एक्शन जाहिर हो रहा है। और सेकंड पे देखें, अली प्लेड, अली ने क्रिकेट खेली, अब इसमें प्लेयर जो है ना ये भी एक्शन जाहिर कर रहा है। द किड्स आर मेकिंग, बच्चे शोर कर रहे हैं, मेकिंग अ नाइस, बच्चे शोर कर रहे हैं, अब शोर करना ये भी एक्शन को जाहिर हो रहा कर रहा है। आरिफ इज लाफिंग एट अ जॉकर, आरिफ जॉकर पर हंस रहा है, ये भी लाफिंग भी एक डायनेमिक वर्ड है। तो सिक्स पे देखें, अब हम करेंगे फाइनाइट वर्ड, finite words is a verb, finite verb एक ऐसी verb होती है which we use, जो हम use करते हैं, इस्तेमाल करते हैं along with the given subject, हम subject के साथ इस्तेमाल करते हैं in a sentence, जुमले में जो subject होता है subject के according जो use की जाती है ना verb वो finite verb कहलाती है। This verb, ये जो finite verb है ये क्या करती है, justifies करती है the state of subject, जो भी sentence का subject होता है उसकी हालत को जाहिर करती है ये। Finite words, जितनी भी finite verbs होती है ना वो change हो जाती हैं, वो change their forms, वो अपनी शक्ल भी चेंज कर लेती है। When there is change, when there is a change in the number or person of the subject, जब जुमले में सब्जेक्ट की तादाद चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाता है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ ही वर्ब भी चेंज हो जाती है ना, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, शी एंजॉयज, वो मजा करती है, अब यहाँ पे जो एंजॉयज है वो शी को देखते हुए है, एस लगाया हमने, ठीक है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, ठीक है, जिसमें हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती यू, ठीक है, यू एंजॉय, तो फिर मैं एस ना लगाती, इसलिए यू को देखते हुए चले हम लिख लेते हैं एग्जांपल, ये भी यू एंजॉय,
तुम मजाक करते हो, अब तो एस नहीं लगाया। तो सब्जेक्ट को देखते हुए जब हम वर्ब यूज करते हैं और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है तो वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आगे देखें एग्जांपल, ही कफ्स, खांसता है। अब यहां पे भी एस यूज किया, वो ही की वजह से हमने यूज किया है। ही स्टीयर्ड एट मी, उसने मुझे घूर कर देखा। अब यहाँ पे हमने ईडी यूज किया है, टेंस चेंज किया है, पास्ट टेंस है ये, इसलिए ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें, अली प्लेस हॉकी, अब यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया है, लेकिन अगर ये मैं यू हूँ आई प्ले होगी तो, अब मैंने एस नहीं लगाया आई को देखते हुए, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हारिस वेंट टू स्कूल, हारिस स्कूल गया। अब ये टेंस चेंज हो गया हमारा, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो यूज होती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नंबर 7 पे देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होती है, दे डू नॉट, वर्ब ना ही ये काम करती हैं एज वर्ब्स, वर्ब्स की तरह ये काम भी नहीं करती हैं इन द सेंटेंस, जुमले में। रादर बल्कि दे वर एज नाउन्स, ये नाउन के तौर पे काम करती हैं, एडजेक्टिव के तौर पे काम करती हैं, एडवर्ब के तौर पे काम करती हैं, एटसेट्रा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स Do not change, जैसे finite verb तो change हो जाती थी according to subject in a sentence, but non-finite verbs do not change according to the number person of the subject. ये सब्जेक्ट के नंबर या शख्स के नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज क्योंकि दीज वर्ब्स ये जो वर्ब्स होती है ना वर्बल वर्ब्स भी कहलाती हैं, डू नॉट हैव एनी
डायरेक्ट रिलेशन, इनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। समटाइम्स बाजुकात तो दे बिकम, वो बन जाती हैं द सब्जेक्ट देमसेल्फ, खुद ही सब्जेक्ट बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, अली बाहर खेलने के लिए गया। अब यहाँ पे टू प्ले है वो इन्फिनिटिव के तौर पे यूज हुआ है, जब भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो इन्फिनिटिव बन जाती है और इसका सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। देखिए अली वेंट अब्रॉड, वेंट आया है यहाँ पे, ये टेंस के मुताबिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तब्दीली आ जाएगी सब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, क्रिकेट खेलना उसका सिर्फ काम है। अब प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई हैव ए ब्रोकन बैट, मेरे पास एक टूटा हुआ बल्ला है, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव जब यूज होती है तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, ये भी एक नॉन पास्ट पार्टिसिपल भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई है। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, चहलकदमी एक अच्छी आदत है। अब यहाँ पे वॉकिंग एज अ नाउन यूज हुआ है, जब वर्ब एज अ नाउन यूज हो तो वह जेरंड बन जाती है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नंबर 8 पे देखें कौन सी काइंड आएगी वर्ब की, रेगुलर वर्ब, अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड सिंपल बाय एड डी आर ई डी टू इट इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब। अगर वर्ब में हम सिंपल ऐड कर दें डी या ई डी फर्स्ट फॉर्म में ही, तो वो रेगुलर वर्ब बन जाती है। वो कौन सी है, जैसे वर्क है, वर्क, वर्क, हमने सिर्फ ई डी लगाया, ब्रीदर ई डी लगाया, ये रेगुलर वर्ब है और ये पास्ट सिंपल है और इसका पास्ट पार्टिसिपल है। हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, हैट हैटेड हैटेड, तमाम फॉर्म जो ई डी या सिर्फ डी बनाने डी लगाने से बन जाए वो रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। नंबर 9 पे देखें इरेगुलर वर्ब, अब ये वर्ब की जो काइंड चल रही है वो इरेगुलर वर्ब है। अ वर्ब हूज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। अगर एक वर्ब की फॉर्म जब बनाते हैं पास्ट सिंपल यानी के सेकंड फॉर्म और उसकी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म बनती है, मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, नॉट ओनली बाय एडिड डी आर ई डी, डी और ई डी लगा कर ना बने, मुख्तलिफ तरीकों से अगर फॉर्म सेकेंड और थर्ड बने तो उसको कहते हैं एन इरेगुलर वर्ब। जब डी और ई डी से नहीं फॉर्में बनती, मुख्तलिफ तरीकों से बनती हैं, तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। इरेगुलर वर्ब देखें कौन सी हैं,
पास्ट पार्ट सिंपल उसका और पास्ट पार्टिसिपल। देखें अराइज अरोज अराइजन। देखें ईडी से नहीं बनी, ये भी चेंज है, फर्स्ट फॉर्म भी चेंज है, सेकंड और थर्ड भी चेंज है, मुख्तलिफ तरीकों से बनी है। बी वाज या वर, ये सेकंड फॉर्म है बी की, और बीन ये है थर्ड फॉर्म। बेंट बेंट बेंट, जो फॉर्म्स चेंज नहीं होती वो भी इरेगुलर फॉर्म्स में ही शुमार होती हैं। बैट बैट बैट। अब हमारी काइंड्स आगे जाएंगी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? मॉडल वर्ब्स आर एक्सिलरी वर्ब्स। ये एक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, जो काबिलियत का इजहार करने के लिए यूज की जाती है, पॉसिबिलिटीज अमकान को जाहिर करने के लिए यूज की जाती है। परमिशन एंड ऑब्लिगेशन, इजाजत के लिए जो यूज की जाती है ऑब्लिगेशन, और जिम्मेदारियों को जाहिर करने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है उन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, लेकिन परमिशन ऑब्लिगेशन एबिलिटीज रिक्वेस्ट और प्रे ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी को शो कर रहा है कि ऑब्लिगेशन है कि उसे जरूर घर जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट डिले, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, ये भी जिम्मेदारी को शो करते हैं। अली मे बी लेट, अली को देर हो सकती है। अब यहाँ पे मे शुड मस्ट ये सब मॉडल वर्ब है। शी कैन क्लाइम द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पे चढ़ सकती है, उसकी एबिलिटीज को शो कर रही है ये। Can I go out now? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? परमिशन है ये। He would be happy to meet you. वो आपसे मिलकर खुश होगा। अब यहाँ पे शुड मस्ट मे कैन वुड ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इनके अलावा कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हो सकती हैं देखें। द मॉडल वर्ब्स आर कैन could must
may, might, ought to, shall, should, will, would, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। हमारी नेक्स्ट काइंड है, लास्ट काइंड है ये वर्ब की, फ्रेजल वर्ब। अ फ्रेजल वर्ब इज अ मल्टी वर्ड वर्ब। एक मल्टी वर्ड वर्ड वर्ब होती है, यानी मुख्तलिफ लफ्ज लगा कर वर्ब के साथ ये बनती है। मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से बनी होती है, एंड एटलीस्ट कम से कम वन प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन और अ पार्टिसिपल इसके साथ लगा होता है। दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग को भी चेंज कर देती है फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, असल जो वर्ब होती है उससे उसका मीनिंग भी चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक्ट अपॉन, ठीक है, एक्ट एक वर्ब है, जब अपॉन इसके साथ प्रेपोजिशन लगा दी, अमल करना, इसका मतलब बन गया बैक, वापस होता है, बैक आउट वादे से मुकर जाना, जैसे ही प्रेपोजिशन हमने अटैच की इसके साथ, वादे से मुकर जाना, इसका मतलब भी चेंज हो गया साथ ही। बैक अप टाइट करना, बिलोंग टू ताल्लुक होना, स्टैंड, अब देखो स्टैंड तो खड़ा होना होता है, लेकिन जब बाय लगा दिया ना साथ, स्टैंड बाय, मीनिंग चेंज हो गया इसका, ये फ्रेजल वर्ब बन गई है, साथ देना या स्टैंड बाय, इसका मतलब होता है मदद करना। सेट, जैसे कि सेट हो जाना किसी चीज़ का, जबकि सेट के साथ असाइड लगाएंगे तो अलग करना हो जाता है। पुट रखना होता है, जबकि पुट बाय, इसका मतलब होता है बचत करना, ठीक है। जैसे जैसे इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन अगर हम चेंज करें, इन्हीं वर्ड्स के साथ चेंज करते रहेंगे, इनके मतलब और भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू वांट टू लर्न, द सॉल्यूशन इज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।